दोस्तों, मैं हूं बख्तावर और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज हम सब दोस्तों ने प्लान किया कुछ कॉन्टिनेंटल फूड ट्राई किया जाए, और उसके लिए हमने आज एक रेस्टोरेंट चूज़ किया है। उसकी ख़ास बात यह है कि वो एक लेडी ओन्ड रेस्टोरेंट है और आई बिलीव वो खाना भी खुद ही तैयार करती हैं। तो हम चलते हैं इम्पीरियल रेस्टोरेंट पे। आई बिलीव उसका फुल नेम इम्पीरियल स्पाइस रेस्टोरेंट है, मैं उसकी लोकेशन टैग कर दूँगा। तो चलते हैं हम इम्पीरियल स्पाइस रेस्टोरेंट पे और चेक करते हैं उनका खाना किस लेवल का है और वो किस तरह तैयार करते हैं। अच्छा जी, हम आ चुके हैं इम्पीरियल स्पाइसेस। मैं पहले इम्पीरियल रेस्टोरेंट कह रहा था, सॉरी, ये इम्पीरियल स्पाइसेस नाम है इसका। ये है इसकी आउटलुक। चलते हैं अंदर और चेक करते हैं अंदर क्या सेटअप है इनका। अंदर से एम्बियंस क्योंकि बहुत ही कोजी है। चलते हैं इन्हीं से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शाइस्ता है, मैं शाइस्ता शरीफ। ओके, एंड शी इज डॉक्टर तबस्सुम। तो आई एम द मैनेजर एट द मोमेंट, सो आई टेक केयर। ओके, सो वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम बैंगलोर, माय पार्टनर इज फ्रॉम पाकिस्तान, सो इट्स लाइक अ फ्यूजन रेस्टोरेंट बोल सकते हैं। ओके जी जी जी, एंड वी आर specializing in the three types of cuisines. We have Indian, we have continental, and we have Chinese on the menu. So customers can come and it can be a happy family time because we notice that bachche zyadatar are interested in continental food. Okay. Mummy papa jo hai Indian mein zyada dilchaspi rakhte hain. Butter chicken, hamare paas hamari signature dish matlab dahi bhi hai. So we are seeing that, you know, on a single table we have multi cuisine things. Okay. ओके, सो कितना अर्सा हो गया इसको यहाँ? जी, हम लोग वी हैव स्टार्टेड ऑफ इन द मंथ ऑफ फरवरी 2023, सो वी 6 मंथ्स इन द बिजनेस एंड वी लव कस्टमर्स टू कम ओवर एंड ट्राई सिग्नेचर डिशेस। अगर आप बात करते हैं इंडियन में, तो वी हैव ट्राइड टू टेस्ट द मटन तहारी, इट्स अ मटन करी एंड चटनी। एंड अगर आप कॉन्टिनेंटल की बात करते हैं, तो आई वुड लाइक टू टेक यू टेक तो आज हमें क्या ट्राई कराने वाली हैं आप? आज हम कॉन्टिनेंटल से अगर शुरू करना चाह रहे हैं, तो हमारा फेमस है लैम शैंक, कोकोनट राइस, ये हमारा बेस्ट सेलर है लैम में। Okay. Or, we also deal with tenderloin beef. So beef steak, hamara is very famous in pepper or mushroom sauce. Okay. Or dessert ke liye, I would definitely suggest sizzling brownie and ek hamara hota hai baked tangerine yogurt. Okay. It's made from hum curds. So that's definitely a switch. Okay, sure. So, we will try this. Please, please try it. Baith jaiye, let's enjoy. तो जी, starter आ गया हमारे पास। Wings हैं चार तरह के। Try करते हैं अभी। देसी मोल चलेगा, स्पाइसी और मज़ेदार। आई वुड लाइक टू हैव कोला। 1 लीटर और कैन? 1 लीटर और कैन? क्या क्या स्पाइसेस पे कोई आइडिया नहीं है? ट्राई करते हैं ये वाला। पहले वाले ने तो बड़ा मजा कराया। काफ़ी डिफरेंट है ये भी। बहुत जूसी है यार ये। अब ये ट्राई करते हैं, इस पर आई बिलीव कोई ग्रेवी है।
ज़रा मीठी मीठी सी मज़ेदार। आप ट्राई करेंगे ये, इस पर भी कोई ग्रेवी है आई बिलीव, ये बारबेक्यू सॉस लग रही है इस पर। नहीं आरडी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर उसमें मैं लगा रहा था लेकिन वो नहीं फाइंड कर रहा। शरीर मज़ेदार है। उसी साइड पे ना साइड पे भी ऑप्शन होती है कि आप मैन्युअली कर दो 319C। फुल सॉस से भरी बहुत मज़ा कर आ रही है। लैम शैंक बहुत ही सॉफ्ट है, ज़बरदस्त ये जनाब। ये भी ट्राई करते हैं, साथ में हम लेते हैं कोकोनट राइस और सम वेजिस। सी मसाला सबसे पहले ट्राई करते हैं कोकोनट राइस। नाइस, बड़ा मिल्की सा फ्लेवर है इनका। लाइकिंग द फूड? या वो हो लैम शैंक बहुत ज़बरदस्त है, बहुत जूसी है ये। हम साथ ट्राई करते हैं वेजिस। ट्राई कर रहे हैं सिज़लिंग लैम चॉप्स, ज़बरदस्त। साथ में लेते हैं थोड़ी सी फ्राइज। ट्राई करते हैं थोड़ी सी सॉस और इसे ज़रा जूसी बनाने के लिए। वो बहुत ही आला यार, लैम चॉप्स जो है ना वो थोड़ा सा है सख्त, अभी चूही है ज़रा। तो जी अब है हमारे पास चिकन स्टेक विद राइस, फिर ट्राई करते हैं। चिकन चिकन काफ़ी सॉफ्ट है इसका, यार चिकन बहुत ज़बरदस्त है, इंतहाई टेंडर, बहुत ज़बरदस्त। ओहो बिल्कुल ड्राई नहीं है अंदर से, बहुत ज़बरदस्त जूसी है जी। ये आ गई सिज़लिंग ब्राउनी विद आइसक्रीम। आइसक्रीम तो यस हुई भी पहले। बहुत गर्म था चम्मच, इसका तरीका ये होना चाहिए, ब्राउनी लें और नीचे से ज़रा आइसक्रीम।
बहुत अलग है। अच्छा जी, हमने ट्राई किए थे इनके आज स्टार्टर में विंग्स, जो कि बहुत ज़बरदस्त थे। मेन आइटम्स में हमारे पास था मोरक्कन लैम्प शैंक, सिजलिंग लैम्प चॉप्स, और चिकन का हमारे पास था स्टेक, और बहुत ही ज़बरदस्त इनकी थी। क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी थी और टेस्ट भी काफ़ी अच्छे थे। और एंड पे हमने इनका मीठे में ऑर्डर किया था सिजलर ब्राउनी केक विद आइसक्रीम, जो कि बहुत ज़बरदस्त था और काफ़ी अच्छा जो है उसने कॉम्बो कराया ऑल आइटम्स के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरह के मज़ेदार वीडियोज़ मिलते रहें। अनटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।